गायब हो गया। ये क्या हुआ? किससे गायब हो गया? तो ये नहीं खड़ी थी। इधर भी जाते हैं, इधर ना जाना, इधर ना जाना। बस वो सबसे बात भाई, एक घंटा भी नहीं गुजार सकते। मैं तो इस बात पे परेशान। हाँ, जब आ गए तो माजिद भाई अल्लाह करेगा जो भी होगा, अल्लाह के जैसे लोग आते हैं। जान गए, ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? आवाज तो आ रही है। जो भी हो हमारे सामने आओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राज बाकी है के साथ मैं हूँ माजिद अली और मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली जानू भाई और आलू भाई और अवेज भाई। नाज़रीन, आज हम अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा मुश्किल लोकेशन पर आए हैं। लोकेशन मुश्किल इस वजह से कह रहा हूँ कि इस लोकेशन को हमने पहले दिन को विज़िट किया है और दिन को आते वक्त ही यहाँ पर इंसान के जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं और खौफ तारी हो जाता है। उस टाइम तो हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई, मगर अहले इलाका ये तक बताते हैं कि यहाँ पर अगर आपने एक घंटे से भी ज़्यादा टाइम गुजारा, समझें कि आपने अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल ली है। हम आपको नहीं बताना चाहते कि यहाँ पर क्या चीज़ है, मगर जो भी चीज़ है आपको जानी नुकसान हो सकता है। हम इस टाइम लाहौर के एक करीबी गांव में मौजूद हैं। ये यानी कि कहने वाले कहते हैं कि ये जिन्नात का गांव है, यानी कि इंसान यहाँ पर नहीं रहते। और जब हम लाहौर से निकल के इस साइड पर आए तो सीरियसली शाम के टाइम भी यहाँ पर वो हमें रास्ते में कोई बंदा क्या कोई चीज़ तक ना मिली, और ऐसा खौफतारी था इन रास्तों पर जिसका कोई मिसाल नहीं है। जानू भाई भी बताएंगे थोड़ा सा मजीद है उनसे। अस्सलाम वालेकुम जानू भाई, क्या हाल है? ठीक है अवेश भाई, क्या हाल है? ठीक है आलू भाई? बस ठीक हूं। ठीक है जानू भाई, ये जो जिन्नात का गांव है ये सब कुछ क्यों? माजिद भाई पहले तो बहुत सफ़र था, सफ़र बहुत ज़्यादा सफ़र है, मगर इतने थके हुए हैं। जब इस जगह का विज़िट किया ना हम लोगों ने, हाँ, तो हमारे जिस्म के बाल खड़े हो गए। जब दिन को आए थे, दिन को आए हम लोग, बिल्कुल ऐसे ही। तो माजिद भाई ज़्यादा तो उन्होंने नहीं बताया कि ये फलां चीज़ है, फलां हर कोई कहता है जिधर भी जाते हैं इधर ना जाना। बस वो सबसे बात भाई, एक घंटा भी नहीं गुजार सकते। मैं तो इस बात पे परेशान। हाँ, जब आ गए तो माजिद भाई अल्लाह करेगा जो भी होगा, अल्लाह के रहम करम से अच्छा ही होगा हमारे साथ। चलिए, टेंशन वाली बात तो है नहीं, चलिए अल्लाह बेहतर करेगा जी। अब क्योंकि आगे बढ़ के देखते हैं रास्ता, क्योंकि मुश्किल है, और उस रास्ते पे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और आगे हमें कोई चीज़ मिलती भी है या नहीं मिलती, कोई चीज़ टकरती भी है या नहीं टकरती। माजिद भाई जो चीज़ नज़र आए, लोग कहते हैं हाँ कहते हैं ना आए करो यार, जगह बहुत वजनी है, वो है वो है, हर बंदा कहता है। हम आ गए, इधर भी आ गए, अल्लाह खैर करेगा जो होगा फिर अल्लाह के देखा जाएगा। मगर नाज़रीन लोगों की बातें अपनी जगह पर, हमने अपनी तरीके से देखना है। काफ़ी अंदर रास्ता है, अंदर रास्ता जाके फिर एक बीच में एक हवेली सी आती है, फिर उस हवेली के आगे वो सारा जंगलात है, वो चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत भारी जगह है। वाकई जगह कोई है, कोई जगह बहुत भारी है, हिसाब वाली है, हिसाब वाली है जानू भाई, ये बात नहीं है कि हिसाब वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मगर इस चीज़ को हमें एहतियात से सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते नाज़रीन, हम निकलते हैं। मेरा भाई आपने ऐसा करना है, आपने इस नुक्कर पे ठीक तो उन्हें अवैध थोड़ा सा मेरे से आगे रहना, एक एक कदम से दस दस कदम रोक कर देखते आना चीज़ें,
हैं ठीक, समझ आ रही है आपको? जी हाँ, चलें आप थोड़ा आगे निकल। आज नाज़रीन जानू भाई एक नए तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जानू भाई को इस जगह का पूरा अंदाज़ा है कि इस जगह पर कितना एक खतरा है। लोगों की कही हुई बातें झूठ नहीं होती। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो साथ साथ? चलते जाओ आगे आगे चलते जाओ। हाँ, कोई चीज नजर आई है? अभी तक तो कोई चीज नहीं नजर आई, फिर भी देखते जाना, एक एक चीज चेक करो। क्यों माजिद? लाजमी है जानू भाई। चलो चलो जानू भाई जी, ये देखिए ऐसे लगता है किसी ने ताज़ा तोड़ा हुआ है। जब यहाँ पर कहते हैं कोई चीज़ आता ही नहीं, कोई आती ही नहीं। माजिद मेरी बात सुनो ना, कोई भूलचुक जैसे लोग आते हैं ना, भूलचुक आ जाते हैं, जो जिन्हों को पता है ना उन, वो तो नहीं आते जैसे आम लोग, हम तुम मैं जैसे लोग आते हैं, जैसे लोग आते हैं। माजिद है खामोशी वाली जगह, खामोश रहो, चुप करो। चलो दोनों इकट्ठे रहो आगे करके। जानू भाई ये बार बार चीजें आ रही हैं पीछे से। इधर कौन सी चीज आ रही? जी इधर आओ ना, मेरे पास आओ ना माजिद। माजिद ये जगह ऐसी है मेरे भाई, मैं तुझे भाई की तरह कह रहा हूँ कि एक एक चीज चेक कर, तुझे भी नजर आ जाए ना तू भी मुझे बता सकता है। हाँ जानू भाई, क्या किया है? मैंने कहा ये जगह ऐसी है, एक एक चीज आपने चेक करनी है, इधर भी देख लो। बंदा होता है, बंदे को नहीं नजर आती कोई चीज, नजर में नहीं आती तो आप देख सकते हो, इसमें ये कोई इशू नहीं आता। हाँ जी,
ये देखो ना माजिद भाई, बिल्कुल सुनसान चीज है, बिल्कुल सुनसान है। और दरख्तों की हालत देखें, हालत देखें आप। अभी तो ये नाजरीन हमें आए हुए थोड़े सा ही टाइम हुआ है। माजिद भाई चुप, माचिस अपना ख्याल कर लीजिए। तू दरख्त के पास जा, और मैंने कहा आगे आगे होते जाओ यार, आगे आगे होते जाओ। मेरे साथ क्या है, डरते हो क्या है? ओ भाई ये अवेश आपके साथ है यार। अवेश भाई थोड़ा सा जैसे जानू भाई कह रहे हैं वैसे करें। एक एक दरख्त चेक करो यार, मेरे साथ क्या है? मेरे साथ दरख्त है ना कोई, ऐसे ऐसे देखते हो मेरे साथ आते हो। कोई चीज नहीं है आगे पीछे जाने भाई। अल्लाह हू अकबर। क्या है ये सर? क्या है देखिए तूने कोई चीज? ये पत्थर कहाँ से आ रहे? आवाज तो आ रही है। सामने कुछ खड़ी है। नहीं देखो सामने किधर? सामने किधर है? चलो भाई देखो तो पीछे, तू अभी इधर से जा, थोड़ा से नीचे नजदीक नहीं जाना। जा 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 इनके साथ बात कर। अलो ये घूम के का इधर नहीं है। हैं इधर तो नहीं है क्या? इधर ही खड़ी थी। इधर हैं अभी जो इधर ही थी। किधर गए? आगे रखते आ जाए।
इधर कोई है सामने आज हमारे दिन इधर बताए तो सही ये सब कुछ क्या है माजिद भाई। आपको पता है कि एक दफ़ा नज़र आई है हमें आगे पीछे इसको भगाया वो चली गई है। अभी इधर तो नज़र नहीं आ रही ना, वो रास्ता भी हमसे छोड़ गया, हमने जाना है उधर था। ये रास्ता है रास्ता है ये उधर जाता है ये क्या है? ये कहीं और आ गए हैं भाई। वही है जो कोठी तो है जो आपने कही है रास्ते में कोठी यही तो दे रहा नहीं यही है भाई यही दे रहा है। हाँ रास्ता चेंज तो नहीं हो गया? नहीं नहीं माजिद भाई वो हम अंदर से आए हैं ना बाग में, वो सीधा रास्ता नहीं आया ना पहले। ये कोई और चीज है यार, वो जगह नहीं है। वही है मजानु भाई है। वही है वही है हम अंदर से है ना बाग के अंदर से लग तो नहीं रही थी। नहीं जानू भाई वो वही है। वीरान है सर हैं वीरान कर रहे हैं सर चल भाई सामने वो खड़ी किधर वो नहीं सामने वही चीज है। हाँ वही तस्वीर दिखा मुझे आलू। हाँ सुपर ही साइड से जा ओए तू आलू उस साइड पे जा परली साइड पीछे तू अब ऐसी साइड पे जा। हाँ गायब हो गया। ये क्या हुआ? किससे गायब हो गया? अभी तो ये नहीं खड़ी थी आपने तो चारों तरफ से घेरा था इसको। घेरा माजिद भाई आप देख सकते हो इधर ही खड़े हैं हम लोग, कहीं तो नहीं है किधर से। माजिद भाई इधर करें इधर करें कोई चीज नहीं कौन हो? जो भी हो हमारे सामने आओ।
कौन हो? ऊपर कोई है? ऊपर कोई है तो सामने आए। ये महादेव भाई, ये उन चीज़ों का काम है। ये देखो ना, ये देखो इतना नुकसान है उन लोगों का, देखा? ये दरख्त भी बहुत पुराना है। Yeah.